कई बच्चों में आपने देखा होगा कि टंग के ऊपर एक वाइट सी लेयर जमा होने लग जाती है और धीरे धीरे फिर उस पर फंगल इन्फेक्शन लग जाता है, जिसे हम थ्रश कहते हैं। ये थ्रश अगर ज़्यादा जकड़ जाता है तो आसानी से वो हमारे क्लीन करने से निकलता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत जमा हुआ है तो 2-4 बार 5 बार सफाई करने से, टंग क्लीन करने से निकल जाएगा हल्के हाथों से। लेकिन अगर हल्के हाथों से क्लीन करने से वो नहीं निकलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देंगे। बेसिकली ये एक एंटी फंगल मेडिसिन होता है। ऑल्दो आपको इंटरनेट पे बहुत सारे होम रेमेडीज़ मिल जाएंगे, ओवर द काउंटर भी शायद ये मेडिसिन मिलती हो, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले छोटे बच्चों के ऊपर आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एक ड्रॉप जैसी मेडिसिन होती है और फिर आप जब उसको टंग पे डालोगे तो धीरे धीरे वो क्लीन हो जाता है। लेकिन किसी भी तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के कांटेक्ट के नहीं करें बच्चों पे। ऐसा देखा गया है कि थ्रश छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम छोटे बच्चों की टंग क्लीनिंग, टीथ की क्लीनिंग को इतना सीरियसली नहीं लेते। बहुत सारे लोग होते हैं जो हर बार दूध पिला के बच्चे की टंग को क्लीन नहीं करते हैं। मैं बात कर रही हूँ 0 to 6 months, जो कि बच्चे सिर्फ दूध पे रहते हैं और हर घंटे 2 घंटे पे दूध पीते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू से ही, day 1 से, जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, दूध पिलाने के बाद, वेदर इट इज़ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला, साफ़ सूती का कपड़ा लीजिए, साफ़ कॉटन का कपड़ा लीजिए, क्लीन हैंड्स में उसको लपेट के और बच्चे की टंग और गाल के साइड पे जो है गम्स वगैरह को अच्छे से क्लीन करिए, क्योंकि दूध के पार्टिकल्स उनके गम्स में रह जाते हैं, उनकी जीभ पे जमा होने लग जाती है और इसी से धीरे धीरे फिर थ्रश क्रिएट होता है। और जब आप 6 महीने के बाद अपने बच्चे को सॉलिड फूड पे लेके आते हो, उस वक्त भी जब जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो उसके बाद टंग की क्लीनिंग, जैसे मैंने बताया, क्लीन हैंड में एक फिंगर में साफ कॉटन का कपड़ा लपेटिए और उससे टंग को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और जैसे ही आपके बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं, मतलब अगर 3-4 दांत आ गए हैं ऑलरेडी, तो जो फिंगर ब्रश आता है उससे बच्चे के गम्स की, टीथ की और जो टंग है उसकी भी क्लीनिंग हल्के हाथों से करना स्टार्ट करिए, ताकि बच्चे के गम्स में, मुंह में, टंग के ऊपर कोई भी फूड पार्टिकल चिपका ना रह जाए। और इससे आप देखोगे कि आपके बच्चे को ब्रश करवाने की हैबिट के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही आप बच्चे को फिंगर ब्रश की हेल्प से ब्रश कराते आए हो, क्योंकि ऑलरेडी उसको ये हैबिट है कि टंग की क्लीनिंग होती है, दांतों की क्लीनिंग होती है। उसके लिए ये एक नई चीज़ नहीं होगी। बच्चों को फिंगर ब्रश वगैरह से हम ब्रश नहीं करवाते हैं, टंग क्लीन नहीं करते हैं, तो उनको ब्रश करना सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक ये भी उसका एडेड एडवांटेज है। और हाँ, एक चीज़ और, कई बार आप बोलते हो ना कि हमारा बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता, उसको किसी चीज़ का स्वाद अच्छा नहीं लगता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, तो कई बार क्या होता है, बच्चे के टंग पे चूंकि एक लेयर जमी हुई है, उससे बच्चे के टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं और बच्चे में टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की टंग की क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे करें। 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को जितनी बार भी आप फीड कराते हो, एक बार टंग ज़रूर हल्के हाथों से क्लीन कर दें, ताकि थ्रश होने से आप उनको बचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली फॉर द न्यू मॉम्स। एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।